हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म ग्रेडअप। ग्रेडअप पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं, यूट्यूब का आपका जो पीसीएस का क्लास चल रहा है, उसमें जो आज हम पढ़ने वाले हैं, वर्ल्ड क्लाइमेट के बारे में पढ़ने वाले हैं, विश्व की जलवायु के बारे में हम अध्ययन करेंगे। आज वर्ल्ड क्लाइमेट यानी विश्व के जलवायु की अगर हम बात करें, तो इसमें जो है वर्ल्ड क्लाइमेट को 5 मेजर रीजन में बांटा जाता है, 5 बड़े क्षेत्रों में बांटा जाता है। अगर हम इनकी 5 जो मेजर रीजन है, चंक्स हैं, उनकी अगर हम बात करें, तो सबसे पहला चंक्स जो आता है वह है इक्विटोरियल रीजन, विषुवतीय जलवायु प्रदेश। इक्विटोरियल या विषुवतीय जलवायु प्रदेश सबसे पहला पार्ट जो होता है वो क्या कहलाता है, इक्विटोरियल या विषुवतीय जलवायु प्रदेश। इसके बाद जो अगला आपको पढ़ना है वो है ट्रॉपिकल यानी उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश। ट्रॉपिकल के बारे में आपको पढ़ना है, उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेशों के बारे में पढ़ना है। अगर उसके बाद की अगर हम बात करें, तो उसमें सब ट्रॉपिकल जो उपोष्ण जलवायु प्रदेश हैं उनके बारे में पढ़ना है, सब ट्रॉपिकल रीजन्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद फिर टेम्परेट रीजन, चौथा जो है टेम्परेट रीजन शीतोष्ण जलवायु प्रदेश, फिर इसके बाद सब पोलर रीजन उपध्रुवी प्रदेश वाले जो जलवायु प्रदेश हैं उनके बारे में पढ़ना है, और फिर पोलर रीजन्स के बारे में पढ़ना है, ध्रुवी जलवायु प्रदेश के बारे में पढ़ना है। तो ये जो 5 टाइप के जो है जलवायु प्रदेश पूरे विश्व में पाए जाते हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है। अगर इनको हम मैप पे जो है अर्थ पर लेकर के देखें, इनका डिवीजन लेकर के देखें, तो अगर हम बात करें अर्थ की, सपोज करिए जो मैंने सर्कल ड्रा किया, ये हमारी अर्थ का मॉडल ग्लोब है, तो जो इक्विटोरियल रीजन है इसके सेंटर से अगर हम एक इमेजिनरी लाइन पास करें, इसके केंद्र से होते हुए काल्पनिक रेखा खींचें, तो इस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, हम इक्विटोरियल लाइन कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। इसको 0° लैटिट्यूड भी कहा जाता है, 0° अक्षांश कहा जाता है। ठीक, इसके दोनों तरफ जो है 0 से लेकर के 10° लैटिट्यूड तक, दोनों तरफ यहां से लेकर के यहां तक जो 10° लैटिट्यूड नॉर्थ और साउथ दोनों रीजन में जो क्षेत्र है, इसको कहा जाता है इक्विटोरियल रीजन। और ये जो जलवायु प्रदेश है यहां तक अप टू 10° लैटिट्यूड तक जो है, ये जो है जलवायु प्रदेश कहलाता है इक्विटोरियल जलवायु क्लाइमेटिक रीजन, विषुवतीय जलवायु प्रदेश कहलाता है। इक्विटोरियल क्लाइमेटिक रीजन या विषुवतीय जलवायु प्रदेश कहलाता है। अगर हम बात करें ट्रॉपिकल की, तो वो जो है 10 डिग्री लैटिट्यूड से लेकर के 30° लैटिट्यूड तक, 10° अक्षांशों से लेकर के 30° अक्षांशों तक दोनों साइड पाया जाता है। 10° अक्षांशों से लेकर के 30° अक्षांशों तक ये जो है दोनों तरफ फैला हुआ रीजन रहता है। यहां पर जो जलवायु प्रदेश होता है वह इस टाइप का जलवायु प्रदेश कहा जाता है। इसके बाद जो है 30° से लेकर के अगर हम बात करें 45° तक, 30° से लेकर के 45° तक का जो होता है वह सब ट्रॉपिकल रीजन का कहलाता है, जो थर्ड टाइप का हमारा जलवायु प्रदेश है। 30° से लेकर के 45° लैटिट्यूड तक जो एरिया फैला हुआ है वो इस टाइप का है। इसके बाद 45° से लेकर के अगर हम बात करें, तो जो हमारा चौथा टेम्परेट रीजन है यह 45° से लेकर के 65° के बीच में फैला हुआ है, 45° से लेकर के 65° सेल्सियस के बीच में फैला हुआ। इसके बाद जो है पोलर रीजन की अगर हम बात करें, तो ये पोलर रीजन जो हमारा 5वां क्षेत्र है वो जो है फैला हुआ है आपका पोल्स वाले एरिया में, 65° लैटिट्यूड से लेकर के 90° लैटिट्यूड तक के बीच में फैला हुआ एरिया है। तो ये जो है आपके तमाम सारे जो है आपके जलवायु प्रदेश कैसे बांटा गया है उनके बारे में मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे इनका डिवीजन किया गया है। यहाँ एक खास बात समझिए, जो सब पोलर रीजन है, जो 45 से 65 डिग्री सेल्सियस वाला जो सब पोलर रीजन है, वो केवल और केवल जो है नॉर्थ पोल वाले एरिया में पाया जाता है, बाकी जो है साउथ पोल वाले एरिया में नहीं पाया जाता है। तो ये जो है आपसे तमाम सारे जो है जलवायु प्रदेश उनके बारे में जो है बात की जाती है, और उनके बारे में एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले जो है इक्विटोरियल वर्ल्ड क्लाइमेट की बात करते हैं, तो इक्विटोरियल क्लाइमेट की बात करते हैं, विषुवतीय जलवायु प्रदेश की बात करते हैं। विषुवतीय जलवायु प्रदेश की अगर हम बात करें, तो मैंने जैसे कि बताया कि ये हमारा अर्थ का मॉडल ग्लोब और ये हमारा इक्वेटर,
जीरो डिग्री लेटीट्यूड, इसके दोनों तरफ 10 डिग्री अक्षांशों तक जो जलवायु प्रदेश फैला हुआ है वह इक्विटोरियल टाइप का है। यहां पर आप देखिए कि क्या रहता है कि साल भर तापमान बहुत ज्यादा रहता है, यानी पूरे वर्ष जो है वो तापमान क्या रहता है, बहुत ज्यादा। सबसे पहली चीज जान लीजिए, इक्विटोरियल या विषुवती में जो आपको याद रखना है, जीरो से लेकर के 10 डिग्री लेटीट्यूड तक नॉर्थ एंड साउथ बोथ हेमिस्फीयर में, उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में ये फैला हुआ है। दूसरी चीज कि यहां पर साल भर उच्च तापमान रहता है, हाई टेम्परेचर जो है वो पूरे साल रहता है। यहां पर जो है साल भर उच्च तापमान बना रहता है, हाई टेम्परेचर जो है वो पूरे साल बना रहता है। एवरेज हाई टेम्परेचर की अगर हम बात करें यहां पर, तो ये जो है 30 डिग्री सेल्सियस के अप्रोक्स में जो है एवरेज टेम्परेचर रहता है। खास बात समझिए, यहां पर जो है एवरेज टेम्परेचर की बात करें तो अप्रोक्स 30 डिग्री सेल्सियस, लेकिन एग्जैक्ट एक्यूरेट एवरेज टेम्परेचर की बात करें तो जो आपको याद रखना है, जो कि एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, वो 27 डिग्री सेल्सियस है, 27 डिग्री सेल्सियस, इसको आपको याद रखना है। ठीक, यहां पर जनरली जो है अगर ये ऑप्शन में नहीं मिलता है तो अप टू 30 डिग्री सेल्सियस लिखा रहता है एवरेज टेम्परेचर जो है, ये दो ऑप्शन मिलते हैं अगर, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन आ जाए तो आपको आंसर क्या टिक करना है, 27 डिग्री सेल्सियस टिक करना है। यहां पर खास बात समझिए कि पर डे, इस पूरे एरिया में पर डे जो है दोपहर के बाद जो है बारिश होती है, यहां पर डे दोपहर के बाद जो है बारिश होती है, यानी आफ्टर 3 PM, यानी 3 बजे के बाद जो है अगर हम बात करें, आफ्टर 3 PM 3 बजे के बाद जो है यहां पर बारिश होनी शुरू हो जाती है। इसके वजह से क्या होता है, यहां पर रेनफॉल जो है बहुत ज्यादा होता है, अप्रोक्स 200 सेंटीमीटर से ज्यादा औसत वार्षिक वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है। इसके कारण क्या होता है, यहां पर वृक्षों में जो है सन रेज को पाने के लिए ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, आर्द्रता बहुत ज्यादा होगी, तो सन रेज को पाने के लिए वृक्षों में होड़ बन जाएगी, होड़ मच जाएगी, तो वृक्ष बहुत लंबे लंबे होंगे और कैनोपी ऊपर जाकर के क्या होंगे, कैनोपी टाइप के हो जाएंगे, पूरे के पूरे छत्र टाइप के हो जाएंगे। ठीक, और ये पूरे के पूरे साल भर हरे भरे रहेंगे, इसलिए इनको एक स्पेसिफिक टाइप नाम दिया जाता है, एवर ग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। ऐसे वनों को क्या कहा जाता है, सदा बहार वन कहा जाता है। साल भर ये हरे भरे रहते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, एवर ग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है, सदा बहार वन कहा जाता है। तो यहां से ये तमाम सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो वन पाए जाते हैं, ये आप देखिए तो कौन कौन सा एरिया है, अमेजन बेसिन वाला एरिया है, कांगो बेसिन वाला एरिया, इंडोनेशिया, एरियन जाया, पापुआ न्यूगिनी, मलेशिया, ये जो एरिया है यहां पर इसी टाइप के वन मिलते हैं, इक्विटोरियल फॉरेस्ट की बहुलता है। इसमें भी अगर हम बात करें तो जैसे जो अमेजन बेसिन है, यहां के जंगल जो है उनको लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, विश्व का फेफड़ा कहा जाता है। ठीक, क्योंकि ये बहुत डेंस है और बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन निकालते हैं। अमेजन के जंगलों को जो है एक स्पेसिफिक टर्म दिया जाता है, सेल्वास, सेल्वास के जंगल कहा जाता है। तो सेल्वास के जो जंगल हैं वो इसी प्रकार के हैं और वो इक्विटोरियल फॉरेस्ट के अंतर्गत आते हैं। यहां पर जो है आपसे कभी कभी जो है ट्राइब्स के बारे में पूछा जाता है, यहां की एक ट्राइब है जो है वो आपसे पूछ ली जाती है, अमेजन के बेसिन्स में पाई जाने वाली ट्राइब है बोरो, बोरो ट्राइब्स के बारे में जो है आपसे पूछा जाता है कि बोरो ट्राइब्स जो है वो कौन से क्लाइमेटिक रीजन में पाई जाती है, तो अमेजन के बेसिन में, इक्विटोरियल क्लाइमेटिक रीजन में, यानी विषुवती जलवायु प्रदेश में ये पाई जाती है। ठीक, तो इक्विटोरियल या विषुवती जलवायु प्रदेश में बोरो जनजाति पाई जाती है, कहां, अमेजन बेसिन के क्षेत्र में। कांगो बेसिन का जो क्षेत्र पड़ता है वहां पर भी एक स्पेसिफिक ट्राइब पाई जाती है, एक विशिष्ट जनजाति पाई जाती है, उसका नाम है पिग्मी। पिग्मी लोग जाति ये जो है आकार में बहुत छोटे होते हैं और ह्यूमिडिटी के कारण जो है यहाँ पर एक मक्खी पाई जाती है जिसको कहा जाता है सीसी फ्लाई। सीसी फ्लाई से बचने के लिए जो है, सीसी फ्लाई के काटने से जो है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस का जो है वेक्टर होता है, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस एक प्रोटोजोआ है जिसका ये वेक्टर होता है, कहने का मतलब वाहक होता है, इसके कारण जो है स्लीपिंग सिकनेस यानी निद्रालु रोग हो जाता है, स्लीपिंग सिकनेस नामक रोग होता है, निद्रालु रोग होता है, इसके कारण क्या होता है, व्यक्ति जो है वह काफी समय तक कोमा में चला जाता है, तो बहुत ज्यादा नुकसान करता है। तो इस मक्खी से बचने के लिए यहाँ के लोग जो है क्या करते हैं, मिट्टी के लेप जो है अपने शरीर पर लगाए रहते हैं। पिग्मी जनजाति के लोग जो है ये पूरे शरीर को मिट्टी से ढके रहते हैं, ये आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा जो है बंटू ट्राइब्स यहाँ की जो है इंपॉर्टेंट है,
बंटू ट्राइब्स, बंटू जनजाति से एक कल्चर निकला हुआ है, एक सॉफ्टवेयर आया हुआ उबंटू। उबंटू जो सॉफ्टवेयर है बंटू ट्राइब्स के एक कल्चर उबंटू से संबंधित है, बंटू ट्राइब का कल्चर। इसको आप जो है देख सकते हैं, उबंटू सॉफ्टवेयर के बारे में आप इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं, वो तमाम सारी चीजें। उबंटू सॉफ्टवेयर जो है उबंटू ट्राइब के कल्चर उबंटू से लिया गया है, ठीक। तो ये जो है आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि यहां पर जो है विंटर सीजन, सॉरी मलेशिया में एक जनजाति है, उसको भी देख लीजिए, मलेशिया की जनजाति, वो आपसे पूछा जाता है। यहाँ पर मलेशिया में जो है सकाई जनजाति पाई जाती है, वो आपसे पूछा जाता है कि सकाई जनजाति जो है कहाँ पाई जाती है, देश का नाम पूछा जाता है। इसके अलावा जो है क्लाइमेटिक रीजन पूछा जाता है, कौन से क्लाइमेटिक रीजन में पाई जाती है सकाई जनजाति। खास बात समझिए, यहाँ पर जो विंटर सीजन है, शीत ऋतु है, वह लगभग न के बराबर है। विंटर सीजन यानी शीत ऋतु जो है वह लगभग न के बराबर होती है, क्योंकि साल भर जो सूर्य की किरणें हैं ना वो बिल्कुल सीधे पड़ती रहती है। तो साल भर जो है सूर्य का प्रकाश बहुत ज्यादा मात्रा में पाने के कारण यहाँ पर जो गर्मी है बहुत ज्यादा होती है, इसी कारण से यहाँ पर जो है विंटर सीजन लगभग न के बराबर होता है। यहाँ के वृक्षों की अगर हम बात करें तो जितने भी आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट के जो वृक्ष हैं, जैसे महोगनी हो गया, इसके अलावा जो है रोज वुड हो गया, इबोनी हो गया, ये जो तमाम सारे वृक्ष हैं वो सब इसी प्रकार के जलवायु प्रदेश में पाए जाने वाले वृक्ष हैं। इक्वेटोरियल या विषुवतीय जलवायु प्रदेश की तमाम सारी विशेषताएं जिनके बारे में मैंने आपको बताया, ये आपसे पूछी जाती हैं। इनका लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन पूछा जाता है, अक्षांशी विस्तार पूछा जाता है, टाइप ऑफ ट्राइब्स पूछी जाती हैं, जनजातियों के प्रकार पूछे जाते हैं, और भी तमाम सारे जो चीजें यहाँ से पूछी जाती हैं छोटी छोटी, उन पर सब पर मैंने चर्चाएं की। इसके बाद जो अगला टाइप आपको पढ़ना है वह है उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो ट्रॉपिकल को तीन अलग अलग टाइप में डिवाइड किया गया, तीन अलग अलग प्रकारों में बांटा गया। जैसे अगर हम बात करें तो हॉट डेजर्ट या उष्ण मरुस्थल वाला जो एरिया है वो, हॉट डेजर्ट वाला एरिया, उष्ण मरुस्थल वाला एरिया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगला सवाना वाला जो एरिया, सवाना घास का प्रदेश है, वो वाला एरिया जो है इसको बांटा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें जो मानसूनी, जो भारत का मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश है वो भी इसी में कवर किया जाता है। तो मानसूनी जलवायु प्रदेश, ये तीन टाइप में इसको बांटा गया, तीन अलग अलग डिवीजन किए गए। हॉट डेजर्ट वाले एरिया की अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम हॉट डेजर्ट वाले एरिया तीनों को अलग अलग करके देख लेते हैं, जो उष्ण मरुस्थल वाला एरिया है, हॉट डेजर्ट का मतलब हो गया उष्ण मरुस्थल वाला जो एरिया, इसमें जो है जनरली अगर हम बात करें तो इसको आप सहारा टाइप का जो क्लाइमेट है इसको जो है कहा जाता है सहारा क्लाइमेट, इसको सहारा मरुस्थल को देखते हुए इसको एक नाम दिया जाता है सहारा क्लाइमेट, सहारा तुल्य जलवायु कहा जाता है इसको, ठीक, सहारा क्लाइमेट भी कहा जाता है। इसमें यहाँ पर जो है एनुअल रेनफॉल, औसत वार्षिक वर्षा जो है वो बहुत कम होती है, एनुअल रेनफॉल जो है बहुत कम होती है। औसत वार्षिक वर्षा की अगर हम बात करें तो तकरीबन 10 से लेकर के 12 सेंटीमीटर, ये जो है एनुअल रेनफॉल है, औसत वार्षिक वर्षा बहुत कम है यहाँ पर जो सहारा वाला डेजर्ट वाला एरिया। खास बात समझिए, यहाँ पर जो विंटर वाला सीजन है वहां पर कभी कभी क्या होता है, विंटर वाले सीजन में 10 डिग्री सेल्सियस से बिलो टेम्परेचर चला जाता है, लेकिन एवरेज टेम्परेचर की अगर हम बात करें, औसत तापमान की बात करें, तो शीत ऋतु में जो है औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। अगर हम समर रीजन की बात करें यानी ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में जो है औसत तापमान वह काफी हाई हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक, यह जो तापमान है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, यानी एबव 30 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाता है, तो बहुत ज्यादा तापमान होता है। ये पूरा का पूरा एरिया डेजर्ट है, तो यहाँ पर कोई वनस्पति जो है बहुत ज्यादा नहीं पाई जाती, यहाँ पर जो है धूल भरी आंधियां चलती हैं जिनको डस्ट मॉन्स्टर कहा जाता है, धूल दानव कहा जाता है, डस्ट मॉन्स्टर टाइप की जो है यहाँ पर, यानी धूल दानव टाइप की जो है आंधियां चलती हैं जिनको कहा जाता है डस्ट मॉन्स्टर या धूल दानव। ये जो यहाँ पर लगातार जो है धूल और रेत भरी जो आंधियां चलती हैं उनको कहा जाता है डस्ट मॉन्स्टर। कहाँ चलती हैं ये? सहारा के हॉट डेजर्ट वाले एरिया में। यहाँ पर जो फॉरेस्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पर किस टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो जीरो फाइट्स, यानी कहने का मतलब है
मरुद्भिद प्रकार के जो पौधे होते हैं वो यहाँ पर मेनली पाए जाते हैं। मरुद्भिद का मतलब होता है मरुभूमि में उद्भिद होने वाले, इसीलिए इनको कहा जाता है मरुद्भिद। कहने का मतलब है जैसे कैक्टस हो गया, बबूल हो गया, इसके अलावा जो है हम बात करें तो जितने भी जो है कांटेदार झाड़ियों वाले जो वृक्ष है वो हो गए, जैसे आपके इवनिंग प्रिमरोज हो गया, सांध प्रिमरोज हो गया, इसके अलावा जो है तमाम सारे अन्य जो वृक्ष हो गए, जैसे श्रबी टाइप के जो वृक्ष है वो पाए जाते हैं यहाँ पर, जो झाड़ी नुमा वृक्ष है वो पाए जाते हैं। ठीक, तो जीरो फाइट्स में जो है जैसे अगर हम बात करें तो जितने भी जो है कैक्टस या उसके टाइप के जो नागफनी या उसके प्रकार के जो वृक्ष है वो आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। इसके अलावा जो है जितने भी झाड़ियों टाइप के वृक्ष आते हैं, श्रब्स टाइप के जो वृक्ष आते हैं, झाड़ियों नुमा जो वृक्ष आते हैं वो भी इसी प्रकार में काउंट किए जाते हैं। तो तमाम सारे जो है जीरो फाइट्स प्रकार के, जो कहने का मतलब है जो कम पानी में उग जाए ऐसे वृक्षों को जो है मरुभूमि में उगने वाले वृक्ष यहाँ पर मेनली पाए जाते हैं। ठीक, यहाँ का अगर हम बात करें तो इसमें जो एक खास क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ की ट्राइब को लेकर के, यहाँ पर इस वाले एरिया में जो डेजर्ट वाला एरिया सहारा, लीबिया, नूबियन, सोमालियन, ये जो तमाम सारे डेजर्ट हैं, ये पूरा का पूरा एरिया इसी प्रकार के डेजर्ट से फैला हुआ है। तो ये जो तमाम सारा जो डेजर्ट वाला एरिया ये आपसे पूछा जाता है कि कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। इनका अगर हम लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन की बात करें तो पूरा का पूरा ट्रॉपिकल मानसून है वो 10 डिग्री से लेकर के मैंने आपको बताया था 30 डिग्री लैटिट्यूड तक फैला हुआ है। तो ये लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन अक्षांशी विस्तार भी आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। यहाँ पर एक ट्राइब पाई जाती है बद्दू ट्राइब। बद्दू जनजाति के बारे में अक्सर पूछा जाता है कि बद्दू जनजाति जो है किस प्रकार की जलवायु में पाई जाती है। हालांकि ये मेनली जो है नूबियन डेजर्ट में पाई जाने वाली जनजाति है, इथोपिया और इरिट्रिया वाले एरिया में जो फैला हुआ है, इथोपिया, इरिट्रिया और सूडान वाले एरिया में जो पूरा का पूरा डेजर्ट फैला हुआ है वहां पर ये जनजाति पाई जाती है बद्दू ट्राइब। ठीक, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है क्लाइमेटिक रीजन दे देता है तो उसमें आप नूबियन रट करके जाते हैं, ऑप्शन में नूबियन मिलता नहीं है, तो फिर क्लाइमेटिक रीजन में अगर आप जाएंगे तो सहारा तुल्य जलवायु या हार्ड डेजर्ट उष्ण मरुस्थल वाली जो जलवायु होती है उसमें जो है बद्दू जनजाति पाई जाती है। यहां से प्रश्न इस तरीके से पूछे जाते हैं आपसे। अगर हम अगला बात करें तो सवाना तुल्य जलवायु के बारे में आपको पढ़ना है। अगला मैंने आपको बताया हुआ है सवाना तुल्य जलवायु, यहां इसको पढ़ना है। सवाना तुल्य जलवायु की अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा सवाना के घास के मैदानों वाला जो एरिया है सवाना तुल्य जलवायु में वो काउंट किया जाता है। इसमें जनरली जो है सवाना टाइप की जो जलवायु है उसमें जो अगर हम बात करें तो इसमें मेनली ग्रासलैंड्स वो जो है कवर किए जाते हैं। ग्रासलैंड्स यानी घास की जो भूमि है वो कवर की जाती है। ठीक, इसमें अगर हम बात करें कि किस प्रकार कौन कौन से घास के मैदान जनरली आप कवर कर सकते हैं तो जैसे मैंने सवाना का बात किया तो सवाना वाला जो एरिया है घास का मैदान ये सेंट्रल अफ्रीका में पाया जाता है। जनरली जो है कहाँ है सवाना का मैदान तो ये सेंट्रल अफ्रीका में फैला हुआ है, मध्य अफ्रीका में फैला हुआ है सवाना का घास का मैदान। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे लानोस का मैदान जो ओरिनोको रिवर बेसिन में फैला हुआ है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में फैला हुआ है, श्रबी टाइप का मैदान है, ये घास का मैदान है जो है कैसा झाड़ी नुमा मैदान है। तो लानोस का मैदान ये जो है ग्रासलैंड्स में सवाना टाइप के ग्रासलैंड्स के मैदानों में जो है लानोस का मैदान ये ओरिनोको रिवर बेसिन में फैला हुआ है। वेनेजुएला गुयाना में ये फैला हुआ है ओरिनोको रिवर बेसिन में। गुयाना में इसी मैदान को कहा जाता है गुयाना हाईलैंड, गुयाना की उच्च भूमि कहा जाता है। इसी को जो है गुयाना में क्या कहा जाता है गुयाना हाईलैंड कहा जाता है, गुयाना की उच्च भूमि कहा जाता है। और इसमें जो है जनरली जो वृक्ष वगैरह पाए जाते हैं वो श्रब टाइप के हैं, झाड़ी नुमा जो है वृक्ष है, झाड़ी नुमा वृक्ष है और स्कैटर्ड हैं पूरे बिखरे हुए यानी बहुत दूर दूर बिखरे हुए छोटे छोटे झाड़ी नुमा वृक्ष हैं, बीच में जो है पूरा ग्रासलैंड टाइप का मैदान। तो लिनोस का जो मैदान है वो झाड़ी नुमा दूर दूर बिखरे हुए वृक्षों के कारण जाना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें कैंपोस, सेराडास और कटिंगा के जो मैदान है उनको आप काउंट कर सकते हैं। कैंपोस, सेराडास और कटिंगा के मैदान, ये तीनों मैदान ब्राजीलियन हाईलैंड, ब्राजील की उच्च भूमि में फैले हुए हैं। कैंपोस, सेराडास और कटिंगा के मैदान कहाँ फैले हुए हैं,
ब्राजीलियन हाईलैंड में फैले हुए हैं, ब्राजील की उच्च भूमि में फैले हुए हैं, तो ये सभी सवाना टाइप के घास के मैदान कहलाते हैं। यहाँ अगर हम बात करें सवाना टाइप के जो है घास के मैदानों में, स्पेशली जो घास पाई जाती है उसको कहा जाता है सवाना टाइप के ग्रासलैंड में एलिफेंट ग्रास कहा जाता है, हाथी घास कहा जाता है। तो इनका जो मुख्य होता है कौन सी घास पाई जाती है, ये अगर पूछ लिया जाए तो एलिफेंट ग्रास, हाथी घास जिसको कहा जाता है, वो पाई जाती है यहाँ पर, इसकी जो मुख्य विशेषता है। यहाँ अगर हम बात करें कि किस प्रकार के जो है वृक्ष पाए जाते हैं, जो इक्के दुक्के वृक्ष होते हैं, सब पर्णपाती प्रकार के होते हैं, डेसीडुअस टाइप के, मेनली जो है डेसीडुअस यानी पर्णपाती, कहने का मतलब है एक विशिष्ट मौसम में ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसीलिए इनको पर्णपाती या पतझड़ वाले वन कहते हैं। जितने भी वृक्ष आपको ऐसे दिखे कि जो एक विशिष्ट मौसम में अपनी पत्तियां गिरा दें, वो सभी इसी प्रकार के वृक्ष कहलाते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें कि औसत वार्षिक वर्षा जो है वो तकरीबन जो है 25 से लेकर के 100 सेंटीमीटर के आसपास जो है, औसत एनुअल रेनफॉल जो है 25 से लेकर के 100 सेंटीमीटर के आसपास जो है एनुअल रेनफॉल है, और जो एवरेज टेम्परेचर है वो जो इनका औसत तापमान है वो तकरीबन 18 डिग्री सेल्सियस, एवरेज एनुअल टेम्परेचर की बात करें, औसत वार्षिक तापमान की बात करें तो वो 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास। यहाँ से जितने प्रश्न बनते हैं उन सब पर मैंने चर्चाएं की कि किस प्रकार से यहाँ से आपसे प्रश्न बन सकते हैं। ठीक, तो ये सवाना प्रकार के मैदान हो गए। अगला जो प्रकार है वो मानसूनी प्रकार के जो है जलवायु की बात की जाती है। मानसून शब्द यह जो है अरब के एक नागरिक थे जो है हिप्पालुस, उन्होंने दिया। मानसून का अर्थ होता है चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ विंड अकॉर्डिंग टू सीजन, ऋतु परिवर्तन के आधार पर हवाओं का अपनी दिशा बदल लेना, यह जो है मानसून का शाब्दिक अर्थ होता है। मानसून शब्द को एक अरब के नागरिक ने दिया था, उनका नाम था हिप्पालुस। हिप्पालुस ने जब यह शब्द दिया तो उस समय भारत में सातवाहन डायनेस्टी का जो है शासन काल था, सातवाहन वंश जो है वह शासन किया करता था। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि मानसून शब्द किसने दिया, हिप्पालुस ने दिया। उस समय भारत में कौन सा वंश शासन कर रहा था, तो उस समय भारत में सातवाहन वंश शासन कर रहा था। हिप्पालुस रहने वाले कहां के थे, अरब रीजन के रहने वाले थे, अरब जो है नाविक थे, इन्होंने जो है इसके बारे में बताया। मानसून का अर्थ होता है चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ विंड अकॉर्डिंग टू सीजन, ऋतु परिवर्तन के आधार पर हवाओं का अपनी दिशा बदल लेना, ये जो है मानसून की परिभाषा होती है। इसमें क्या होता है कि जैसे जो है जब ऋतु एक तरफ रहती है, गर्मी की ऋतु में जो है दूसरी तरफ से हवा चल रही होती है, और शीत ऋतु में क्या होती है कि वो हवा जो है अपना डायरेक्शन बदल लेती है। इसी प्रकार की जलवायु जो है भारत में पाई जाती है। यहाँ अगर हम बात करें तो इसमें जो औसत वार्षिक वर्षा है वह जो है 40 सेंटीमीटर से लेकर के वैरी करती है 200 सेंटीमीटर के बीच में। कभी कभी 200 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाती है कई जगहों पर, 40 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक ये वैरी करती है। और यहाँ पर जो है एवरेज टेम्परेचर वह भी काफी वैरी करता है। एवरेज टेम्परेचर सर्दियों में जो है अप्रोक्स 0 डिग्री के आसपास तक कहीं कहीं पहुंच जाता है, और गर्मियों में जो है वो 30 डिग्री के अबव चला जाता है, 30 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है। तो काफी जो है टेम्परेचर वेरिएशन पाया जाता है, बहुत ज्यादा तापांतर यहाँ पर पाया जाता है। एक और खास बात समझिए, जब तापांतर बहुत ज्यादा है और वर्षा में अनियमितता है तो दोनों चीजें यहाँ पर, बाढ़ और सूखा, ये दोनों चीजें जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। ड्रॉट और फ्लड, ये दोनों चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। बाढ़ और सूखा मानसूनी जलवायु की मुख्य विशेषता मानी जाती है। तो आपसे ये भी पूछा जाता है बाढ़ और सूखा किसकी मुख्य विशेषता है, मानसूनी जलवायु की मुख्य विशेषता है। यहाँ पर अगर हम बात करें वर्षा की तो पर्वती और संवहनी दोनों प्रकार की वर्षा होती है, यानी माउंटेन के द्वारा जो रेन होती है वो, और कन्वेंशनल रेन जो होती है, संवहनीय वर्षा जो होती है, दोनों प्रकार की बारिश यहाँ पर होती है। यहाँ पर कृषि के प्रतिरूपों की अगर बात करें तो यहाँ के कृषि प्रतिरूपों में बड़ी भिन्नता पाई जाती है। खास बात समझिए, यहाँ पर जो है एक विशिष्ट प्रकार की खेती की जाती है जिसको कहा जाता है
झूम कल्टीवेशन। झूम कल्टीवेशन जो है इसको बुश फेलो, काटो जलाओ, स्थानांतरणशील कृषि, ये जो है कहा जाता है। तो ये आपसे पूछा जाता है कि झूम कल्टीवेशन या झूम कृषि किस जलवायु की विशेषता है, स्थानांतरणशील कृषि इसको कहा जाता है, इसके अलावा जो है इसको कहा जाता है काटो जलाओ कृषि, बुश फैलो, अलग अलग जगहों पर इसको बेवार, डहिया, अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। इसके अलावा सघन कृषि भी इसकी विशेषता है, जैसे बहुत सारी जगहों पर जो है सघन कृषि भी की जाती है और इसमें जो है तमाम सारी फसलें ली जाती हैं। कपास का काफी बड़ा एरिया मानसूनी जलवायु क्षेत्रों में आता है। इसके अलावा गेहूं उत्पादन वाला जो एरिया वह भी इस प्रकार की जलवायु में आता है, चावल उत्पादन का एरिया भी इस प्रकार की जलवायु में आता है। तो गेहूं, चावल, कपास, गन्ना, ये सब इस जलवायु की मुख्य फसलें होगी, ठीक। स्पेशली जाना जाता है झूम कल्टीवेशन में। इसमें होता क्या है कि जो आदिवासी लोग होते हैं, जो जनजाति लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, जंगलों को साफ करते हैं और लकड़ियों को जला देते हैं। वहां पर जब तक फर्टिलिटी बनी रहती है तब तक कृषि करते हैं और फिर उस एरिया को छोड़ देते हैं, दूसरे एरिया में जंगलों को साफ करते हैं और फिर वहां पर जो है कृषि करते हैं। ऐसा जो है लगातार घूम घूम करके करते रहते हैं, इसीलिए इसको बुश फेलो, काटो जलाओ, झूम कृषि या स्थानांतरणशील कृषि कहा जाता है। इसमें मानसूनी वनों की अगर हम बात करें तो तमाम सारे जो है मानसूनी वन जो है पर्णपाती प्रकार के वृक्ष हैं उनको कहा जाता है मानसूनी वन। इसमें मेनली जो है अगर हम बात करें तो साल, साखू, सागौन यानी टीक, सोरिया रोबुस्टा और इसके अलावा जो है सागौन की बात करें तो वो तमाम सारे जो है वृक्ष आपसे पूछे जाते हैं इसमें कि कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक। ये तमाम सारे जो है ट्रॉपिकल के जो प्रकार थे उन पर हमने चर्चाएं की, किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, कौन सी जलवायु पाई जाती, कैसे होता है। इसके बाद हम बात करते हैं सब ट्रॉपिकल की, यानी उपोष्ण कटिबंधी या उप उष्ण कटिबंधी की बात करें, अगर सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट की बात करें इसमें भी तीन प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जैसे अगर हम बात करें तो इसमें चाइना तुल्य जलवायु और शीतोष्ण प्रकार के जो मरुस्थल हैं वो टेम्परेट जो डेजर्ट हैं वो पाए जाते हैं, और मेडिटेरियन प्रकार की जलवायु जैसे भूमध्य सागरी जलवायु। कहने का मतलब है इनको भी अगर हम देखें तो चाइना टाइप जलवायु जो होती है, चाइना टाइप क्लाइमेट, चीन तुल्य जलवायु जो होती है वो, इसके अलावा जो है टेम्परेट डेजर्ट जो होते हैं, शीतोष्ण मरुस्थल जो होते हैं वो जो है इसमें आते हैं, और मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट जो भूमध्य सागरी जलवायु होती है वो इसमें आती है। यहां से इसके प्रकारों को लेकर के भी बड़ा सवाल पूछा जाता है कि किसमें कौन सा काउंट किया जाता है। खास बात इसका लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन भी कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है इस प्रकार की जलवायु का, 30 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री तक जो है इसका लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन है, इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो 30 डिग्री से 45 डिग्री तक ये पाई जाती है बोथ साइड में। चाइना तुल्य जलवायु की अगर हम बात करें, जैसे चाइना टाइप का जो क्लाइमेट है इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है मेनली जो बारिश होती है वो क्या होती है कि समर सीजन में बारिश होती है, ग्रीष्म ऋतु में बारिश होती है। मेनली जो है रेन कब होती है, ग्रीष्म ऋतु में होती है, अलग से कोई वर्षा ऋतु यहाँ पर नहीं दिखाई देती है। और जो औसत वार्षिक वर्षा है, एनुअल रेनफॉल है, वो 75 से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक होता है, यानी बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसको एक अलग टाइप का नाम भी दिया जाता है, इसको कभी कभी जो है गल्फ क्लाइमेट या जो है नटाल क्लाइमेट के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसको हम दो और नामों से जानते हैं, गल्फ क्लाइमेट भी कहा जाता है इनको और नटाल क्लाइमेट भी कहा जाता है। यह आपसे पूछा जाता है कि गल्फ क्लाइमेट कभी कभी चाइना तुल्य जलवायु की जगह जो है दे देता है गल्फ तुल्य जलवायु या नटाल तुल्य जलवायु, इसके नाम दे दिए जाते हैं। तो सब एक ही के नाम है, चाइना तुल्य जलवायु के ही नाम है, यहां से ये प्रश्न आपसे बनते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पर टाइफून और हरिकेन, इस जलवायु की जो विशेषता है चक्रवात आते रहते हैं जिनको कहा जाता है टाइफून और हरिकेन टाइप के जो चक्रवात हैं वो यहाँ पर आते रहते हैं। तो ये आपसे पूछा जाता है कि टाइफून और हरिकेन जो है किस प्रकार की जलवायु में आते हैं, चाइना तुल्य जलवायु में आते हैं टाइफून और हरिकेन।
इसके अलावे जो है अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो तापमान है वहां से प्रश्न आता है। तापमान की अगर हम बात करें तो जो एवरेज टेम्परेचर रहता है, एनुअल टेम्परेचर जो रहता है वो 4 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस तक वेरी करता रहता है। 4 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में विंटर टू समर जो है ये वेरी करता रहता है। ये एवरेज टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं, कम या ज्यादा की नहीं। तो औसत तापमान लगभग जो है 4 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। खास बात समझिए, कम वर्षा होने के कारण यहाँ पर चौड़ी पत्ती वाले जो है वन वो पाए जाते हैं। ब्रॉड लीफ ट्री जो होते हैं, जो जितने भी जो है चौड़ी पत्ती वाले जो वन हैं, वो यहाँ की मुख्य विशेषता है, चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। तो कभी कभी आपसे दे देता है, सीधा यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है कि चौड़ी पत्ती वाले वन किस प्रकार की जलवायु की विशेषता है, ऑप्शन दे देता है आपको, तमाम सारे ऑप्शन दिए रहता है उसमें। चाइना तुल्य जलवायु एक बार दिया हुआ है ऑप्शन में, और एक बार जो है सब ट्रॉपिकल दे करके पूछा हुआ है। दो बार अलग अलग प्रकारों से ये प्रश्न पूछा गया है ब्रॉड लीफ वाला। इसके अलावा जो है यूपीएससी में जो है आपको मिलाने के लिए दिया हुआ था, तो वहां पर जो है चाइना तुल्य जलवायु और टेम्परेचर को दिया हुआ था, तमाम सारे जो है जलवायु और उनके एवरेज टेम्परेचर को जो है आपको मिलाने के लिए देता है। शीतोष्ण मरुस्थली जलवायु की अगर हम बात करें तो शीतोष्ण मरुस्थल का मतलब हो गया ऐसे डेजर्ट, जैसे अगर हम इनमें मेन बात करें तो जैसे गोभी और तकला माकन का जो डेजर्ट है, गोभी का जो मरुस्थल है वो तो चाइना और मंगोलिया में फैला हुआ है, चाइना और मंगोलिया में फैला हुआ है। ये लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ एशिया भी है, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो तकला माकन के मरुस्थल की जो जलवायु है, और यहां पर भी 0.5 टाइप के वृक्ष पाए जाते हैं। कैसे वृक्ष पाए जाएंगे तो 0.5 टाइप के वृक्ष पाए जाएंगे, यानी मरुद्भिद प्रकार के, जैसे कैक्टस हो गया, जो है स्प्रूस हो गया, बबूल हो गया, ये तमाम सारे वृक्ष पाए जाएंगे यहाँ पर। ठीक, तो ये आपसे पूछा जाता है किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। जैसे ही डेजर्ट लगे, डेजर्ट में जनरली जो है आप कैक्टस, कटीली झाड़ियां जो है उनको भी काउंट कर सकते हैं, जितनी भी कटीली झाड़ियां उनको भी यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं। आपसे तकलामाकन डेजर्ट की बात करें तो तकलामाकन का मरुस्थल जो है चाइना में फैला हुआ है, तो मेनली जो है इनके लोकेशंस के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ की अगर हम एवरेज टेम्परेचर की बात करें और वर्षा की बात करें तो वर्षा बहुत कम होती है, रेन जो है वो बहुत कम है। यहाँ पर एनुअल रेनफॉल की बात करें तो एनुअल रेनफॉल यहाँ पर 10 से 15 सेंटीमीटर, 10 से 15 सेंटीमीटर तक एनुअल रेनफॉल है, औसत वार्षिक वर्षा है। टेम्परेचर जो है वो यहाँ पर बहुत वेरी करता है, टेम्परेचर यहाँ पर काफी कम हो जाता है। एवरेज टेम्परेचर की बात करें, औसत तापमान की अगर हम बात करें यहाँ पर, औसत तापमान इनका जो है गिरता हुआ चला जाता है, वह तकरीबन 0 डिग्री सेल्सियस, कभी कभी तो -4 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। 0 to -4 डिग्री सेल्सियस ये जो है विंटर सीजन में रहता है, और अप टू 25 डिग्री सेल्सियस तक जो है, कभी कभी 25 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा जो है ये रहता है जो है समर सीजन में इनका टेम्परेचर। तो ये जो है आपसे पूछा जाता है टेम्परेचर, एनुअल रेनफॉल, एक्सपेंशन। इसके बाद मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट की अगर हम बात करें, भूमध्य सागरी तुल्य जलवायु की बात करें, तो भूमध्य सागर और उसके आसपास का जो एरिया है वह इस प्रकार की जलवायु का क्षेत्र माना जाता है। भूमध्य सागर और उसके आसपास का जो एरिया है वह इस प्रकार की जलवायु का क्षेत्र माना जाता है। इसमें अगर हम बात करें तो जो एवरेज टेम्परेचर रहता है मेडिटेरियन टाइप में, भूमध्य सागरी तुल्य जलवायु में जो एवरेज टेम्परेचर रहता है 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। औसत जो वार्षिक तापमान है वह 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। यहाँ पर जो है अगर हम बात करें आपसे कि एनुअल रेनफॉल, औसत वार्षिक वर्षा की अगर हम बात करें तो लगभग 40 से 80 सेंटीमीटर की जो है बारिश होती है, और जनरली जो बारिश होती है वह वेस्टर्न डिस्टरबेंस से होती है, पश्चिमी विक्षोभ से होती है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस, पश्चिमी विक्षोभ से जो है ये बारिश होती है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस की अगर हम बात करें, पश्चिमी विक्षोभ की बात करें, तो भूमध्य सागर वाले एरिया में यह होता है। जैसे अगर हम
वेस्टर्न डिस्टरबेंस को समझने का प्रयास करें तो जैसे हमारा ग्लोब इक्वेटर ये जो है 30-45 degrees के आसपास जो है आपका मेडिटेरियन सी वाला एरिया, यहाँ पर जो है अटलांटिक ओशियन है और यहाँ पर है मेडिटेरियन सी, ये जो भूमध्य सागर है। अब देखिए ये बड़ा वाला समुद्र है, बड़ा वाला समुद्र है, सूर्य जब इधर आएगा यहां पर आएगा ना, सन जब यहां पर रहता है तो इधर क्या रहेगा, विंटर सीजन रहेगा, शीत ऋतु रहेगा, यानी जो वर्षा होती है जनरली कब कब होती है, विंटर सीजन में बारिश होती है, शीत ऋतु में बारिश होती है, ठीक। दूसरी चीज ये इसको वेस्टर्न डिस्टरबेंस क्यों कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ क्यों कहते हैं वो समझिए, क्योंकि आप देखिए यहां पर जो है जब ये बड़ा वाला समुद्र है तो यहां पर बड़ा वाला हाई प्रेशर बेल्ट बनेगा, ह्यूज हाई प्रेशर बेल्ट बनेगा, ठीक, और यहां पर क्या बनेगा, छोटा वाला हाई प्रेशर बेल्ट बनेगा, क्योंकि ये बड़ा वाला समुद्र है, ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है, तो यहां पर जो है होगा क्या कि ठंडी के कारण हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट होगा, उच्च दबाव का क्षेत्र बनेगा, और यहां पर क्या होगा, छोटा वाला उच्च दबाव का क्षेत्र बनेगा, तो ये बड़ा वाला उच्च दबाव का क्षेत्र इस छोटे वाले को दबाएगा, पुश करेगा, दबाएगा तो ये इधर से इधर की तरफ चल देगा, इधर से आ रहा है वेस्ट साइड से, कैसे आ रहा है, डिस्टर्ब होकर के, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिम से आ रहा है विक्षेपित होकर के, इसका नाम क्या हो गया, पश्चिमी विक्षोभ, और ये क्या करता है, विंटर सीजन में बारिश कराता है। भारत में भी जो है पंजाब से लगा है वेस्ट बिहार तक वाले एरिया में, पंजाब से पश्चिमी बिहार तक के एरिया में जो है इसके कारण बारिश होती है विंटर सीजन में, शीत ऋतु में जो है बारिश होती है, और इसके अलावा विंटर सीजन में स्नोफॉल के लिए भी जिम्मेदार है, ये पाकिस्तान में बाढ़ भी लेकर के आता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी विक्षोभ जो है पाकिस्तान में बाढ़ लेकर के आता है। लेकिन जो जनरल परसेप्शंस की बात करें तो मेडिटेरियन जो तुल्य जलवायु है वो 30 डिग्री से 45 डिग्री वाले एरिया में पूरे वर्ल्ड में पाई जाती है, तमाम सारे इसमें जो है जो हवाएं चलती हैं कभी कभी उनके नाम पूछा जाता है, सिराको और मिस्ट्रल, इनके नाम पूछ लिया जाता है, सिराको और मिस्ट्रल जो हवाएं हैं वह मेडिटेरियन क्लाइमेट की विशेषता मानी जाती है, सिराको और मिस्ट्रल जो हवाएं यहां पर चलती है, तूफान जो आते हैं वो यहां से पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है जहां पर इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, सब में सिट्रस फ्रूट पाए जाते हैं, सिट्रस फ्रूट का मतलब हो गया जैसे संतरा, सेब, नींबू, आड़ू, खुबानी, बुखारा, ये जब सब जो है खट्टे फल जो होते हैं जिनमें विटामिन सी की प्रचुर मात्रा होती है, खट्टे फल वो पाए जाते हैं, सिट्रस फ्रूट यानी खट्टे फल जो है इसकी विशेषता होती है, इस प्रकार की जलवायु की मुख्य विशेषता में काउंट किए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो मैंने बताया कि मुख्य वर्षा कैसी होगी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो रही तो साइक्लोनिक टाइप की जो है रेन होती है और विंटर सीजन में होती है, साइक्लोनिक चक्रवाती वर्षा होती है। यहाँ पर एक और चीज ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर स्नोफॉल, विंटर सीजन में स्नोफॉल भी बहुत ज्यादा होता है, तो ये यहाँ की वनस्पतियों की मैंने बात बताई कि सिट्रस फ्रूट पूछे जाते हैं, ये तमाम सारे जो है प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो सिट्रस फ्रूट में आप सबको काउंट कर सकते हैं, जितने भी खट्टे फल आपको याद आ जाए सभी जो है इस प्रकार की जलवायु की मुख्य विशेषता है। ये जो है आपका एक और प्रकार की जलवायु खत्म हुई। अगला जो प्रकार आपने पढ़ना है टेम्परेट प्रकार की जलवायु है, शीतोष्ण प्रकार की जलवायु की, टेम्परेट यानी शीतोष्ण प्रकार की जलवायु, अगला जो आपको पढ़ना है वह है टेम्परेट टाइप क्लाइमेट, शीतोष्ण प्रकार की जलवायु। टेम्परेट टाइप क्लाइमेट की बात करें, शीतोष्ण प्रकार के जलवायु की अगर हम बात करें तो इसको भी तीन अलग अलग रीजन में बांटा जाता है। पहला जो है कनाडा के लॉरेंशिया क्षेत्र से कनेक्ट करके उसको कहा जाता है लॉरेंशियन क्लाइमेट, लॉरेंशिया तुल्य जलवायु। दूसरा जो है जो अमेरिका और कनाडा का जो प्रेयरी का प्रदेश है इसीलिए उसको कहा जाता है प्रेयरी क्लाइमेट, प्रेयरी तुल्य जलवायु। और तीसरा जो है ब्रिटिश ट्राइप क्लाइमेट, ब्रिटिश तुल्य जलवायु। ये जो है इसको तीन प्रकार में बांटा जाता है, लॉरेंशिया तुल्य जलवायु, प्रेयरी तुल्य जलवायु और ब्रिटिश तुल्य जलवायु में इसको बांटा जाता है। शीतोष्ण को अलग अलग तीन प्रकारों में बांटा जाता है। लॉरेंशिया तुल्य जलवायु की बात करें तो ये जो लॉरेंशिया तुल्य जलवायु है, सबसे पहले तो इसका लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन भी देख लेते हैं। लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन की बात करें तो तकरीबन 45 से लेकर के 60 डिग्री
45 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री लैटिट्यूड तक जो है ये फैला हुआ है। और एक खास विशेषता इसकी जान लीजिए, ये केवल और केवल जो है नॉर्थ रीजन में आपको मिलेगा, साउथ रीजन में टेम्परेट टाइप का क्लाइमेट नहीं मिलेगा। यहां अगर हम बात करें कि नहीं, प्रेरी टाइप की जलवायु जो है साउथ रीजन में भी मिलेगी आपको। तो यहां पर अगर हम बात करें कि लॉरेंशिया लैंड जो है ये कहां पर फैला हुआ है, लॉरेंशिया तुल्य जलवायु की बात करें तो ये जो है कनाडा वाले एरिया से, कनाडा के लॉरेंशिया लैंड से जो है ये नाम लिया गया है। आपसे कभी कभी ये पूछा जाता है कि ये नाम ओरिजिनली किस कंट्री से बिलोंग करता है, लॉरेंशिया लैंड। लॉरेंशिया लैंड जब पेंजिया और पैथलासा की बात करते हैं, जब हम अर्थ के ओरिजिन की बात करते हैं कि कैसे कैसे जो है कॉन्टिनेंट बने, तो जो तमाम सारे महाद्वीप आपस में यूनाइट थे उसमें जो है जो सबसे बड़ा सारे महाद्वीप यूनाइट थे उनको कहा गया पेंजिया। पेंजिया जो है दो टुकड़ों में टूटा, लॉरेंशिया लैंड या अंगोरा लैंड और गोंडवाना लैंड में टूटा। तो लॉरेंशिया से चूंकि इसके सबसे प्राचीन अवशेष मिले इसीलिए जो इसको लॉरेंशिया तुल्य जलवायु कहा जाता है, लॉरेंशिया प्रकार की जलवायु। और लॉरेंशिया जो है ये कनाडा का एरिया है। खास बात समझिए, यहाँ पर जो एवरेज टेम्परेचर है, औसत वार्षिक तापमान है, वो अप्रॉक्स 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, जो डेयरी इंडस्ट्री के लिए सबसे सुटेबल टेम्परेचर माना जाता है। डेयरी इंडस्ट्रीज के लिए, दुग्ध उद्योग के लिए सबसे सुटेबल तापमान माना जाता है 21 डिग्री सेल्सियस का। ये जो डेयरी फार्मिंग के लिए जो है यहाँ पर रहता है। खास बात समझिए, यहाँ पर जो बारिश होती है वो पूरे साल होती है, और साइक्लोनिक टाइप की बारिश होती है, चक्रवाती बारिश होती है। साइक्लोनिक यानी चक्रवाती बारिश होती है और पूरे साल होती है, ठीक। एक और बात समझिए, यहाँ पर जो है मेन जो इसकी विशेषता है, टेम्परेचर इसमें विंटर में जो है, इसकी जो मुख्य विशेषता है ना, इसमें टेम्परेचर विंटर वाले सीजन में जो इसका टेम्परेचर वो 0 डिग्री सेल्सियस से बिलो चला जाता है। कभी कभी तो ये जो है -10 to -20 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, यानी पूरी तरह से जम जाता है ये एरिया। और ये एरिया जो है तमाम सारे लेक्स वाला भी एरिया है, तमाम सारी झीलें भी यहाँ पर पाई जाती हैं। जैसे अगर हम बात करें ग्रेट लेक्स की बात करें, इसके अलावा जो है कनाडा की जो तमाम सारी झीलें हैं वो सभी इसी प्रकार की झीलें हैं, ठीक। सॉरी, इस प्रकार के जलवायु प्रदेश में पाई जाने वाली झीलें, तो झीलों वाला एरिया जो है यहाँ पर है, जैसे अथाबास्का झील हो गई, ग्रेट स्लेव झील हो गई, ग्रेट बियर झील हो गई। इसके अलावा जो ग्रेट लेक्स की बात करें तो ग्रेट लेक्स में जो 5-6 झीलें हैं वो सुपीरियर, ह्यूरन, ओंटारियो, इरी, मिशिगन, ये जो 5 झीलें हैं उनकी उनको मिला करके कहा जाता है ग्रेट लेक्स। तो ये जो है आपसे पूछा जाता है कि झीलों वाला एरिया और किस प्रकार की जलवायु के क्षेत्र की मुख्य विशेषता है जिसमें बहुत सारी झीलें पाई जाती हैं। तो लॉरेंशिया तुल्य जलवायु में बहुत सारी झीलें पाई जाती हैं। और ये पूरा का पूरा एरिया मैंने आपको बताया, डेयरी इंडस्ट्रीज, डेयरी उद्योग के लिए, इसके अलावा जो है लकड़ी उद्योग के लिए, टिम्बर इंडस्ट्रीज, पल्प एंड पेपर इंडस्ट्रीज, कागज और लुगदी उद्योग के लिए। जैसे कनाडा की बात करें तो कनाडा जो है वो अखबारी कागज के उत्पादन में वर्ल्ड में पहला स्थान रखता है। तो ये दुग्ध उद्योग, लकड़ी उद्योग, पेपर और पल्प इंडस्ट्रीज, पल्प का मतलब हो गया जैसे एक हार्डबोर्ड वगैरह जिससे बनते हैं वो जो है, इन सब के लिए जो है ये पूरा का पूरा एरिया जाना जाता है, लॉरेंशिया तुल्य जलवायु जानी जाती है। प्रेरी तुल्य जलवायु की बात करते हैं, पूरा का पूरा एरिया जो है ग्रास लैंड है। और खास बात समझिए, प्रेरी तुल्य जलवायु का ये जो है विश्व का अन्न भंडार कहा जाता है, ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, विश्व के जो है अन्न भंडार कहा जाता है इसको, ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है प्रेरी तुल्य जलवायु को। एक और चीज की, कभी कभी इसको ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कह दिया जाता है, विश्व के रोटी की टोकरी कह दिया जाता है। एक्चुअल में है क्या, ये जो एरिया है ना प्रेरी वाला, वो मेज और व्हीट दोनों के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, गेहूं और मक्का दोनों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो पूरे साल यहाँ पर रोटी बनाने के लिए जो है रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, जो है ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। यहाँ पर जो है अगर हम बात करें तो जो साल भर बारिश होती रहती है और लगभग एवरेज रेनफॉल जो है 45 सेंटीमीटर के आसपास होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन पूरे साल बारिश होती है। तो इस वजह से जो है पूरे साल जो है मौसम जो है सुहाना बना रहता है, और घास, पशुपालन, इन सब के लिए जो है ये एरिया बहुत अच्छा होता है।
खास करके खेती के लिए। दूसरी चीज यहाँ पर जो एनुअल रेनफॉल है, जो औसत वार्षिक वर्षा है, वो मैंने आपको बताया 45 सेंटीमीटर, और जो तापमान है वह भी इन दोनों फसलों के लिए बहुत अच्छा होता है, 18-20 डिग्री सेल्सियस के अप्रोक्स में इनका तापमान होता है, तो इन दोनों फसलों के लिए बहुत अच्छा तापमान माना जाता है। यानी बहुत ज्यादा टेम्परेचर वेरिएशन नहीं है यहाँ पर, अगर आप देखिए तो इस पूरे एरिया में। एक खास बात समझिए यहाँ पर, एक और चीज की जो घास के मैदान है उनके बारे में पूछा जाता है कि कौन कौन से घास के मैदान है। एक मैंने आपको बता ही दिया प्रेरी का घास का मैदान, तो ये कनाडा और यूएसए में मेनली फैला हुआ है। इसके अलावा जो है स्टेपीज का घास का मैदान, स्टेपीज का घास का मैदान ये रसिया और यूक्रेन में फैला हुआ है। इसके अलावा जो पंपास का जो मैदान है अर्जेंटीना में, सदर्न हेमिस्फीयर में जो पंपास का मैदान जो दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है वो, इसके अलावा जो है साउथ अफ्रीका का जो वेल्ड का मैदान है वो, दक्षिण अफ्रीका में जो वेल्ड का मैदान है वो भी जो है इसी प्रकार का मैदान है। तो ये तमाम सारे मैदानों के बारे में पूछा जाता है कि कहां कहां पर स्थित है। जैसे स्टेपीज रसिया और यूक्रेन में फैला हुआ है, पंपास का मैदान ये अर्जेंटीना में है, और वेल्ड का मैदान कहां है, साउथ अफ्रीका में फैला हुआ है। यहां से ये तमाम सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन से प्रकार के घास के मैदान है और कहां कहां है। ठीक, जैसे पंपास का मैदान जो एक विशिष्ट प्रकार की घास अल्फा अल्फा के लिए जाना जाता है। ब्रिटिश तुल्य जलवायु की अगर हम बात करें तो ये जो है मेनली यहाँ पर जो है ब्रिटेन की जो जलवायु है उससे जो है कोरिलेट करके लिया जाता है। ब्रिटेन की जलवायु का जो एवरेज टेम्परेचर 5 से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में वेरी करता रहता है। जो एनुअल टेम्परेचर है जो वो 5 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में वेरी करता रहता है एवरेज टेम्परेचर की अगर हम बात करें। इसके अलावा जो है यहाँ पर जो बारिश होती है वह पूरे साल भर होती रहती है, पूरे साल बारिश होती रहती है, लेकिन बारिश बहुत ज्यादा नहीं होती है, वो 40-60 सेंटीमीटर तक एनुअल रेनफॉल होता है। ये जो है 40-60 सेंटीमीटर तक औसत वार्षिक वर्षा बनी रहती है। खास बात समझिए यहाँ पर वार्म ओशियानिक करंट होने के कारण, गर्म समुद्री धाराएं होने के कारण यहाँ के जो पोर्ट होते हैं साल भर खुले रहते हैं। पोर्ट जो है, जो बंदरगाह होते हैं वो पूरे साल खुले रहते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर नॉर्वे की जो है इरमिंजर और नॉर्वे की वार्म ओशियानिक करंट है, गर्म समुद्री धाराएं हैं इरमिंजर और नॉर्वे की। इसके कारण जो है रसिया का एक बंदरगाह है मुर्मुस्क, वह जो है पूरे साल खुला रहता है, जबकि पोल के बहुत पास पड़ता है मुर्मुस्क। तो नॉर्वे की गर्म जलधारा के कारण मुर्मुस्क बंदरगाह जो रूस का है वह पूरे साल खुला रहता है। तो वार्म ओशियानिक करंट जो है इसकी प्रमुख विशेषता है इस प्रकार की जलवायु की, जिसके कारण क्या होता है पोर्ट यहाँ के साल भर खुले रहते हैं। नहीं तो ठंडी में जो है यहाँ पर बर्फ जम जाती है, जिसे फ्योर्ड, नॉर्वे का जो है फ्योर्ड तट है वह क्या होता है वहां पर आइस, फ्योर्ड का मतलब क्या होता है कि आइस जब जैसे जो है समुद्र से मिल रही हो, जहां पर आइस और समुद्र एक साथ मिल रहे हो ऐसे कोस्टल एरिया को कहा जाता है फ्योर्ड। और नॉर्वे का जो कोस्टल एरिया है फ्योर्ड कोस्टल एरियाज के लिए जाना जाता है, फ्योर्ड तटों के लिए जो है उसको जाना जाता है। ये जो है प्रश्न आपसे बहुत पूछा जाता है कि फ्योर्ड तट कहाँ की विशेषता है, फ्योर्ड तट जो है वो नॉर्वे की विशेषता मानी जाती है, नॉर्वे का जो है फ्योर्ड तट। मुर्मुस्क बंदरगाह के बारे में भी काफी प्रश्न पूछा जाता है, मुर्मुस्क बंदरगाह जो है विशेषता कहाँ की है, रसिया की विशेषता। ये जो है आपसे तमाम सारे प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ पर। खास बात समझिए यहाँ के जो फॉरेस्ट हैं उन पर प्रश्न आता है, कारण यह है कि लंदन जो है वर्ल्ड का पहला ऐसा जो है सिटी था जो कि 100% फॉरेस्ट कवर सिटी माना जाता है। जैसे भारत की 100% फॉरेस्ट कवर सिटी की बात करें तो भारत की पहली 100% फॉरेस्ट कवर सिटी इवन एशिया की गांधीनगर है, गुजरात का जो कैपिटल है गांधीनगर वो 100% फॉरेस्ट कवर सिटी माना जाता है, 100% जो है फॉरेस्ट से कवर माना जाता है। इनकी जो मेन जो विशेषता होती है डेसीडुअस फॉरेस्ट होते हैं, पर्णपाती वन पाए जाते हैं, और इनमें भी मेनली जो आपको याद रखना है वो इंग्लिश विलो, पर्णपाती या पतझड़ वाले वन, इसमें इंग्लिश विलो को आपको याद रखना है क्योंकि उससे क्रिकेट का बैट बनाया जाता है। ठीक, इंग्लिश विलो को आपको याद रखना है, जिसको कहा जाता है अल्बा के, इनको जो है कॉमनली क्या कहा जाता है अल्बा के वृक्ष कहा जाता है, इससे बनता है क्रिकेट का बैट। ये अल्बा या इंग्लिश विलो को आप याद रखे रहिएगा एक एग्जांपल यहां पर। ये जो है इसके अलावा ओक,
फिर पॉपुलर के वृक्ष, ओक के वृक्ष, पॉपुलर के वृक्ष सभी इसी प्रकार में काउंट किए जाते हैं। ये पॉपुलर के वृक्षों को जो है प्लाईवुड इंडस्ट्री में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में पॉपुलर के वृक्षों के जो है सीधे तने का इस्तेमाल जो है सपोर्टिंग के लिए किया जाता है बहुत सारी जगहों पर भारत में। ठीक, तो पॉपुलर के वृक्षों का इस्तेमाल प्लाईवुड इंडस्ट्रीज में आजकल भारत में बहुत ज्यादा हो रहा है, ये आपसे पूछा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो सब पोलर या टाइगर टाइप के जो वन है उनको सब पोलर या उपध्रुवी प्रकार के जो उपध्रुवी या सब पोलर टाइप का क्लाइमेट, इस सब पोलर टाइप के क्लाइमेट या उपध्रुवी प्रकार की जलवायु को हम एक और नाम से जानते हैं, टैगा तुल्य जलवायु भी कहते हैं। टैगा टाइप क्लाइमेट कहते हैं इनको, टैगा तुल्य जलवायु भी कहा जाता है। तो सब पोलर क्लाइमेट या टैगा टाइप क्लाइमेट, टैगा तुल्य जलवायु भी आपसे पूछा जाता है, इसको भी याद रखे रहिएगा, ये अक्सर आपसे पूछा जाता है। इसकी अगर हम बात करें तो रशियन वर्ड है टैगा, टैगा का अर्थ होता है श्रबी टाइप का झाड़ी नुमा। और ये जो है अगर हम बात करें तो 65 से लेकर के 75 डिग्री लैटिट्यूड तक ये पूरा का पूरा एरिया फैला हुआ है। और ये जो एरिया है केवल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है, ये सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं पाया जाता है, ओनली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। इस प्रकार की जलवायु दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाई जाती है। यहां से यह भी प्रश्न आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केवल उत्तरी गोलार्ध में 65 से 75 डिग्री लैटिट्यूड तक का जो एरिया है, 65 डिग्री लैटिट्यूड से लेकर के 65 डिग्री अक्षांशों से लेकर के 75 डिग्री अक्षांशों तक जो फैला हुआ एरिया है किस प्रकार का एरिया है, टैगा प्रकार का एरिया है। टैगा प्रकार के एरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर विंटर का जो समय है वो बहुत लंबा होता है, शीत ऋतु जो है वो काफी लंबी हो जाती है। शीत ऋतु का समय जो है वो 7 से 8 महीने का होता है, यानी समर सीजन क्या होगा वो 4 से 5 महीने का ही होगा। ठीक, यानी ग्रीष्म ऋतु की अगर हम बात करें तो ग्रीष्म ऋतु क्या होगी, केवल 4 से 5 महीने की होगी। आप चाहे तो उसको भी लिख सकते हैं, समर सीजन यानी ग्रीष्म ऋतु क्या होगी, वो केवल 4 से 5 मंथ की होगी। ये जो है आपसे पूछा जाता है 4 से 5 महीने और 7 से 8 महीने, विंटर सीजन काफी लंबा हो जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो औसत वार्षिक वर्षा जो है एनुअल रेनफॉल वो आपसे पूछा जाता है 25 से लेकर के 50 सेंटीमीटर तक जो है औसत वार्षिक वर्षा होती है, एनुअल रेनफॉल आपसे पूछा जाता है। खास बात समझिए जो है यहाँ पर चक्रवाती और संवहनी दोनों प्रकार की वर्षा होती है, यानी जो वर्षा होती है वो साइक्लोनिक टाइप की भी होती है और कन्वेंशनल टाइप की भी होती है। चक्रवाती और संवहनी दोनों प्रकार की बारिश यहाँ पर होती है, तो यह भी आपसे पूछा जाता है किस किस प्रकार की बारिश होती है, यहां से भी प्रश्न बनते हैं। अगर हम यहां के वनों की अगर हम बात करें तो कॉनिफर्स टाइप के वृक्ष, कोणदार या शंकु वन इनकी विशेषता है। कॉनिफर्स टाइप के जो वृक्ष हैं जिनको हम कोण या शंकु वन कहते हैं, जैसे पाइन जितने भी याद आ जाए आपको, अल्पाइन, ड्यू पाइन, क्रिसमस, तमाम सारे जो पाइन चीड़ के वृक्ष हो गए, इसके अलावा देवदार और क्रिसमस, ये जो है तमाम तरीके के जो है वृक्ष इसके एग्जाम्पल हो गए। इसके अलावा आप स्प्रूस, लाच इन सबको भी काउंट कर सकते हैं। इस प्रकार के वृक्षों में स्प्रूस भी आते हैं, लाच भी आते हैं, ये सब इसी प्रकार के वृक्ष हैं। एक और खास बात जानिए, यहाँ की जो इन सबकी जो लकड़ियां होती है ना वो सॉफ्ट वुड टाइप के वृक्ष होते हैं। ये जो है इनकी लकड़ियां जो है कैसी होती हैं, तो सॉफ्ट होती हैं, बहुत नरम लकड़ियों वाले बनाते हैं। एक और विशेषता होती है इन वनों में जो है, तमाम सारे वनों में जो है ऑयल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इनसे जो है ऑयल जो है बहुत निकाला जाता है। वो आपसे पूछा जाता है कि अक्सर किस प्रकार के वनों में ऑयल की मात्रा, तेल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो ये आपसे टैगा प्रकार के वन जो है, टाइगर रशियन वर्ड है जिसका अर्थ जो है झाड़ी होता है, तो लगभग झाड़ी नुमा और कॉनिफर्स वृक्ष जो है वो टैगा तुल्य जलवायु की मुख्य विशेषता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगला जो टाइप है वो आपको पढ़ना है, पोलर टाइप क्लाइमेट, ध्रुवी प्रकार की जलवायु।
पोलर टाइप के क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 75 डिग्री लैटिट्यूड से लेकर के 90 डिग्री लैटिट्यूड तक, और सदर्न हेमिस्फीयर में 65 डिग्री लैटिट्यूड से लेकर के 90 डिग्री लैटिट्यूड तक है, ये उत्तरी गोलार्ध में और ये दक्षिणी गोलार्ध में। ये जो है लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन है इसका। आपसे ये भी पूछा जाता है कि कहाँ कहाँ पर इसका एक्सपेंशन कैसे कैसे है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है 6 महीने का दिन 6 महीने की रात हो जाती है, और इस वजह से जो है नॉर्वे वाला जो एरिया इस प्रकार के क्लाइमेट में पड़ता है वहां पर मध्य रात्रि का सूर्य भी दिखाई देता है। कारण यह है कि वहां पर जो है काफी समय तक सूर्य उदित रहता है, इसीलिए नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। ठीक, अंटार्कटिक और आर्कटिक रीजन पर दोनों एरिया जो हमारे पोल के हैं, आर्कटिक ओशियन वाला जो एरिया है नॉर्दर्न पोल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न पोल पर उत्तरी गोलार्ध में और उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र पर, और सदर्न हेमिस्फीयर में सदर्न पोल पर दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र पे जो हमारा अंटार्कटिक वाला एरिया है वह इसी प्रकार के जो है जलवायु का एरिया है। यानी अगर हम बात करें तो आर्कटिक टाइप जल क्लाइमेट इसको कहा जाता है, और कभी कभी जो है इसको कहा जाता है एंटार्कटिक टाइप क्लाइमेट। तो इसके अलग अलग नाम है, आर्कटिक क्लाइमेट और एंटार्कटिक क्लाइमेट भी इसके अन्य नाम है जो आपसे पूछे जाते हैं पोलर टाइप के क्लाइमेट की बात करें। यहाँ पर जो है एवरेज जो टेम्परेचर है कभी कभी विंटर में तो -40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है, तापमान जो है वो -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। एक खास बात समझिएगा कि पृथ्वी का जो सबसे ठंडा स्थल है ठीक वह जो है अंटार्कटिक पर है, उसका नाम आप लोग कमेंट में बताएंगे कि कौन सा है। रसिया का जो है रिसर्च स्टेशन भी है, वो रूस का जो है वो रिसर्च स्टेशन है। खास बात समझिए, रसिया के एक नागरिक फेबियन वेलिंग सासेन एक जहाज से वहां पहुंचे थे, वोस्टॉक वोस्टॉक नामक जहाज से वहां पर पहुंचे थे, और उसी के नाम पर अंटार्कटिक में एक प्लेस है वोस्टॉक। ये पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थल माना जाता है, वह इसी टाइप के क्लाइमेट में है। खास बात की सबसे जो कम टेम्परेचर वाला एरिया जहां पर मानव आबादी पाई जाती है वह है ओखोटस्क और बर्खोयांस्क, वो टाइगा तुल्य प्रदेशों में पाए जाते हैं और साइबेरिया वाले रीजन में, रसिया के साइबेरिया वाले क्षेत्र में वो पड़ते हैं। तो साइबेरिया तुल्य जलवायु भी, टाइगा तुल्य जलवायु को कभी कभी जो है साइबेरिया टाइप क्लाइमेट भी कह दिया जाता है, साइबेरिया तुल्य जलवायु भी कह दिया जाता है। जो टाइगा तुल्य है उसमें जो है ओखोटस्क और बर्खोयांस्क पड़ते हैं जहां पर मानव आबादी पाई जाती है। यहां पर रिसर्च स्टेशन बनाया गया है और हम वहां पर पहुंचे हैं, नेचुरली यहां पर मानव आबादी नहीं थी। यहाँ पर अगर हम बात करें वनस्पतियों में, एक और चीज की यहाँ पर रेनफॉल बिल्कुल नहीं होता है, कभी कभी कुछ एरियाज में रेनफॉल केवल और केवल 1 से 1.5 महीने तक जो है रेनफॉल होता है, कुछ एरियाज में ही होता है, लेकिन बाकी जो है वर्षा बिल्कुल न के बराबर होती है। और जो भी बारिश होती है ना वो स्नोफॉल के टाइप में होती है, हिमपात के रूप में होती है, स्नोफॉल या हिमपात के रूप में बारिश होती है इस प्रकार की जलवायु में। तो ये भी आपसे पूछा जाता है स्नोफॉल या हिमपात प्रकार की जलवायु जो मुख्य विशेषता है वो कभी कभी आप वेस्टर्न डिस्टरबेंस लगा देते हैं। वेस्टर्न डिस्टरबेंस मत लगाइएगा, अगर पोलर टाइप का क्लाइमेट दिखेगा तो पोलर क्लाइमेट लगाइएगा। वेस्टर्न डिस्टरबेंस जब हाई अल्टीट्यूड पर जाता है तब भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में वो जो है बारिश कराता है, स्नोफॉल कराता है जब हाई अल्टीट्यूड पर जाने पर, बहुत ऊंचाई पर जाने पर, लेकिन वो मुख्य विशेषता नहीं है वेस्टर्न डिस्टरबेंस की या जो है मेडिटेरियन टाइप के क्लाइमेट की, वो मुख्य विशेषता नहीं है। यहाँ पर स्नोफॉल जो है वो जो है मुख्य विशेषता है यहाँ पर जो है पोलर रीजन की। खास बात समझिए, ये जो बारिश होती है 1 से 1.5 महीने कुछ ही रीजन में होती है, बाकी जगहों पर तो स्नोफॉल भी बहुत कम होता है। ये यहाँ पर विंटर सीजन बहुत लंबा होता है और इस वजह से जो है यहाँ पर कोई वृक्ष नहीं पाए जाते हैं। आप अगर हम बात करें तो कोई भी वृक्ष नहीं पाए जाते हैं, जो यहाँ की मुख्य वनस्पतियां हैं अगर हम उनकी बात करें तो मॉसेस और लाइकेन। लाइकेन इज सिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। लाइकेन शैवाल और कवक का सहजीवी जीवन है, जो कि सजीवी जीवन का मतलब होता है दो अलग अलग वैरायटी के लोग अपना जीवन बचाने के लिए एक साथ जो कंबाइंड हो गए और एक न्यू फॉर्म में आ गए, तो इसको बोलते हैं सजीवी जीवन। ठीक, लाइकेन जो है सिम्बायोटिक रिलेशन है, सजीवी जीवन है किसका,
एल्गी और फंजाई का, ठीक। इसीलिए जो है आपसे इसको पूछा जाता है, मॉसिस और लाइकेन। इसके अलावा अगर हम यहाँ के जंतुओं की बात करें तो मेन जो जंतु है इसका पेंगुइन, इसके अलावा जो है पोलर बियर, ध्रुवी भालू, वो जो है पाए जाते हैं नॉर्दर्न पोल वाले में, पेंगुइन सदर्न पोल वाले रीजन में पाया जाता है। तो ये कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है ध्रुवी भालू पेंगुइन को क्यों नहीं खाता है, क्योंकि ये सदर्न पोल पर है और ये नॉर्दर्न पोल पर है, ये उत्तरी ध्रुव वाले एरिया में है और ये दक्षिणी ध्रुव वाले एरिया में, तो इस वजह से नहीं खाता, दोनों अलग अलग रीजन में पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे लेमिंग हो गया, हेयर फॉक्स हो गया, बाल वाली जो लोमड़ी है, इसके अलावा जो है हम बात करें तो सील, वॉलरस, ये जो है तमाम सारी जो मछलियां हैं, क्रिल टाइप की जो मछलियां हैं, वो जो है इसके प्रकार की जो है जलवायु की मुख्य विशेषता है। तो विश्व के जलवायु के तमाम सारे प्रदेशों पर हमने चर्चाएं की, तमाम सारे प्रदेशों की हमने बात की। आज के लिए इतना ही, बाकी सब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू गाइज, कीप वॉचिंग ग्रेडअप, ग्रेडअप को लगातार आप लोग देखते रहिए। हम आपके लिए पीसीएस स्पेशल का कोर्स लॉन्च किए हैं, पेड कोर्स है जिसमें हम पूरा डिटेल में एक एक बात पढ़ाएंगे आपको, हर एक चीज जो आपके तमाम सारे स्टेट पीसीएस से, यूपी, बिहार, एमपी, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड को कवर करेगा, बहुत सारे स्टेट पीसीएस, नॉर्दर्न इंडिया के तमाम सारे स्टेट पीसीएस को आपको कवर करेगा। हमारी टीम के साथ बने रहिए, टीम आपको गाइड करेगी। जल्द ही ये कोर्स आपका शुरू होगा, पेड कोर्स, वहां पर जल्द से जल्द अपना जो है एनरोलमेंट कराइए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू गाइज, कीप वॉचिंग ग्रेडअप, थैंक यू।